मछलियां पकड़ना और उनकी प्रोसेसिंग का काम आपको हिंदुस्तान में भले हल्का लगे, लेकिन विदेश में इस काम की बड़ी डिमांड है। विदेश में इस काम को बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ही आधुनिक और मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करके करती हैं। कंपनीज प्रोफेशनल की मदद से इस काम को पूरा करवाती हैं। ये कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त होता है कि मछलियों को फ्रेश बनाए रखने के लिए उन्हें शिप्स में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मछली पकड़ने से लेकर मछली को प्रोसेस करने का करोड़ों का काम पूरा एक ही जहाज के अंदर निपटाया जाता है। जी हाँ, किस तरह पानी के जहाज में मछलियों को पकड़ने से लेकर उनकी साफ सफाई और पैकेजिंग का काम किया जाता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपने शायद ही ऐसा कोई काम पहले कभी देखा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मछलियों को पकड़ना, उनकी साफ सफाई करना और आपकी रसोई में पहुंचने तक वो खराब ना हो और उनका जायका बना रहे, इसके लिए बड़े बड़े पानी के जहाजों में एक लंबी चौड़ी टीम बेहद बारीकी से इस काम को पूरे तरीके से अंजाम देती है, जिसके लिए कई मशीन्स का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और हुक्स का सहारा लिया जाता है। जहाँ एक तरफ समुद्र की छोटी मछलियाँ खुद ब खुद बड़े जाल में आ जाती हैं, तो वहीं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जाता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है, यानी कि उन्हें यहाँ भेंट के तौर पर हुक्स में बांधा जाता है, जिसके लालच में बड़ी मछलियाँ इनमें फंस जाती हैं। अब वैसे तो शिप में ज्यादातर काम को तेजी से पूरा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है, मगर कुछ काम मैनुअली भी किए जाते हैं। हुक वाली रस्सी पर हवा भरे गुब्बारे भी लगा दिए जाते हैं ताकि रस्सी समुद्र के तल तक ना चली जाए। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो और मछुआरों को मछलियां पकड़ने में ज्यादा वक्त ना लगे, इसके लिए यहाँ तकनीक की मदद भी ली जाती है। सैटेलाइट्स, इमेजेस या फिर दूसरे उपकरणों की मदद से समुद्र के ऐसे इलाके जहाँ उनका सिलेक्शन किया जाता है जहाँ मछलियों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद होती है, ऐसे में मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। 8 से 10 घंटों में सभी जाल छोटी मछलियों से और सभी हुक्स बड़ी मछलियों से भर जाते हैं, जिसका पता लगते ही मशीन की मदद से हुक लगी चेन को वापस जहाज में खींच लिया जाता है। अब ये मछलियों का शिप में आना भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो मछलियों का सैलाब आ गया हो। यहाँ मछलियों को शिप में लोड करते वक्त कुछ वर्कर्स मैन्युअली ही मीडियम और बड़ी साइज की मछलियों को उनके वैरायटी के हिसाब से अलग कर लेते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ जो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनका वजन हमारे यहाँ के नॉर्मल बकरों से भी 4-5 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके दाम भी काफी ज्यादा होते हैं। मछलियों को अलग अलग प्लेस पर लेने के बाद बारी आती है उनकी सफाई की। अब भले सभी मछलियों को पानी से निकाला गया हो, लेकिन उन पर लगी गंदगी और खून को साफ करने के लिए उन्हें साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन सभी मछलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए जहाज की सतह से नीचे मौजूद प्रोसेसिंग लाइन में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले बड़ी बड़ी मछलियों का भार देखने के लिए वेइंग मशीन भी इस प्रोसेसिंग लाइन में मौजूद है। वेट एंड ऑल सब चेक करने के बाद फिर किसी अनुभवी इंसान से उनकी सफाई और कटाई का काम करवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे वर्कर बड़ी ही सफाई से खुद से कई गुना ज्यादा बड़ी फिश को आसानी से फाइन कट कर रहा है। खैर, ये तो बड़ी मछलियों के बाद जो सामान्य मछलियां रहती हैं उन्हें यहाँ तो मैनुअली या फिर उन्हें मशीन की मदद से अंदर से साफ कर दिया जाता है। इन्हें सबसे पहले तरीके से एक मशीन पर सेट किया जाता है और फिर उसके बाद मछलियों के सिर को अलग कर दिया जाता है। फिर पहले चाकू की मदद से उन्हें बीच से काटा जाता है, जिससे उनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। कुछ जगह ऑर्गन्स को यूज नहीं किया जाता, लेकिन किसी किसी शॉप में सिलेक्टेड मछलियों के खाए जाने वाले ऑर्गन्स को किसी प्रोसेस के दौरान अलग कर लिया जाता है। अब मशीन ने अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं किया, ये चेक करने के लिए वर्कर्स खुद भी मछलियों को अंदर से चेक कर लेते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का इसी में मिल जाता है तो उसे हाथ से ही अलग कर दिया जाता है। हालांकि इसकी गुंजाइश काफी कम होती है, लेकिन फिर भी सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए मैन्युअली भी ये सब चेक कर लिया जाता है। अब जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पकड़ी गई मछलियाँ कोई आम मछलियाँ नहीं होती, इनमें से कुछ की कीमत तो ना सिर्फ हजारों में बल्कि लाखों और करोड़ों में होती है, इसलिए पूरा काम सफाई से किया जाता है। सिर और ऑर्गन्स को अलग से धोने के साथ साथ मछलियों को एक बार फिर साफ पानी में धोया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ बता दें कि मछलियों की ये पूरे प्रोसेस लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से तैयार की जाती है, जिससे मछलियाँ बिल्कुल सेफ रहती है। या कुछ कंपनीज फ्रेश प्लेट भी तैयार करती हैं, जिनके लिए सबसे पहले मशीन द्वारा फिश की आउटर स्किन को साफ किया जाता है, जैसे अपने बूचर शॉप में बूचर को हाथ से करते देखा होगा आपने। अब फिश की खाल को छीन लिया जाता है, जैसे हम पिलर की मदद से आलू या फिर सेब के छिलकों को छीलते हैं, जिससे हमें फिश को एक चमकदार लचीला हिस्सा मिल जाता है, जिसे इंस्पेक्शन के बाद एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो उसमें मौजूद पानी और कांटों को अलग कर देता है। अब इन पीसेस को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। उधर साबुत फिश की सफाई कटाई और फिर सफाई के बाद अंत में बारी आती है उन्हें पैक करके देश और दुनिया में भेजने की, जिसके लिए सबसे पहले साफ मछलियों को फ्रीजिंग टेरेंज में डाला जाता है और अगले कुछ वक्त ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, या मछलियों पर लगा पानी कुछ ही वक्त में बर्फ बन जाता है और टेरेंज में रखी मछलियां एक दूसरे से चिपक कर जम जाती हैं, जो किसी सॉलिड ब्लैक की तरह नजर आती हैं। इसके बाद लगभग पूरा काम मशीन्स की मदद से किया जाता है। पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी मछलियों को यहाँ पहले खास तरह के प्लास्टिक से रैप किया जाता है और फिर बाहर से इसमें एक मोटे गागज की रैपिंग की जाती है। वैसे पैकेजिंग
पैकेजिंग मछलियों की कंपनी टू कंपनी प्रेफर करती है। जैसे कई कई फिश पैकेजिंग के लिए कार्टून्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद मछलियों के बंडल को शिप में ही मौजूद रेफ्रिजरेटर में एक खास तापमान पर स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में पूल पहुंचने पर सिलेक्टेड मार्केट्स में भेज दिया जाता है या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वैसे यहां फिश पकड़ने से लेकर बाकी जिन तक में लगे मशीन्स और वर्कर्स की दाद दी जानी चाहिए, क्योंकि ये मछलियां इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार की गई होती हैं कि कई दिनों बाद भी खाए जाने के बाद इसका स्वाद जो होता है वो नहीं बदलता, इनमें बदबू नहीं आती और ना ही इनका रंग और टेक्सचर बदलता है। तो चलिए दोस्तों, मछली पकड़ने और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।